कंगना पागल हो चुकी है, हमें समझ में नहीं आता है हर बार हमारे सिख भाई को क्यों टारगेट किया जाता है। इससे पहले भी जब केंद्र का इलेक्शन था उस समय भी आंदोलन कर रहे थे हमारे सिख भाई, तो उनको टारगेट किया जा रहा था। आज फिर बीजेपी के नेता कंगना रनावत जो सांसद हैं मंडी से, आज वो देखिए हमारे सिख भाई के बारे में क्या कह रहे हैं कि हर किसान कहने का मतलब है कि वो बलात्कारी है। अरे कंगना जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपने फिल्म में जितनी भी रोल की है इसलिए आपको सब बलात्कारी दिख रहा है। आपने फिल्म में रोल करते करते भरी रोल सब, और आपको अब हमारे सिख भाई बलात्कारी दिख रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है आपको? किसानों को बोला था उन्होंने, किसानों को। तो वही तो किसान है, तो किसान है कौन? ज्यादा करके तो हमारे सिखे भाई है ना, बात को पहले समझा जाए। आप टारगेट किसको कर रहे हो? टारगेट तो जाहिर सी बात आप किसको कर रहे हो मालूम है, जो अपने आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, आप उन्हीं को ना टारगेट कर रहे हो। आखिर ये बीजेपी वाले चाहते क्या है? खुल के एक बार बोल दे हमारे सिख भाई को कि क्या चाहिए नहीं चाहिए। बीजेपी ने तो किनारा कर लिया, उनके वक्तव्य से कह रहे हैं पार्टी का कोई संबंध नहीं है, आप कैसे कहोगे? कैसे नहीं है, वो पार्टी के नेता है कि नहीं है? वो पार्टी के नेता सांसद है कि नहीं मंडी से? आखिर तो हम कैसे नहीं बोलेंगे कि उनके पार्टी के ऊपर, पार्टी के थ्रू वो चल रही है? कांग्रेस कह रही है उन्हें पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए 100%। जो जाति धर्म का बात करे, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कहने का मतलब है ऐसे नेता को एकदम बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, उनको निष्कासित करना चाहिए। कंगना रावत नहीं नहीं आई है, ठीक है ना, उसको अभी मालूम नहीं है जिस पार्टी के तू सपोर्ट कर रही है वो 99% तो वो खुदिष्ट है। आज नहीं बताएगी तू कल को जब तेरे को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा और जब तू दूसरी पार्टी बनाएगी तब तू बताएगी कि बीजेपी लोग 95 क्या 100% और 101% ही क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हैं, क्रिमिनल है। आप एक एक मिनिस्टर को छाँट छाँट के देखो, आपको पक्का पता चल जाएगा। आप एक किसान को 25 साल से तुमने, मतलब पहले 5 साल में उसकी डिमांड पूरी नहीं की, उससे पहले उसके 5 साल में नहीं की, उसके 5 साल में नहीं की, अब ये तो बताओ कब करोगे? 25 साल तो हो गए हैं। कंगना तो ये कह रही थी कि चाइना से संबंध है। हाँ भाई, सरदार का तो पाकिस्तान से संबंध है, कनाडा से संबंध है, अमेरिका से संबंध है, मोदी तो वहाँ घूमता है सर। आगे टोटली एक ही बंदा टेररिस्ट है, और हर कंट्री के लिए हम टेररिस्ट है। हम पाकिस्तान के लिए टेररिस्ट है, समझ में आ गया। हम इंग्लैंड के लिए भी मैं सरदार टेररिस्ट है, जापान के लिए भी हम टेररिस्ट है, अरे सबके लिए तो टेररिस्ट है। जो अपनी डिमांड का किसान मांग रहा है, तो मतलब हर किसान एरिया में जहाँ जहाँ खालसा है, जहाँ जहाँ सरदार है, वो सब टेररिस्ट ही है। ठीक है भाई, टेररिस्ट है तो है, जो अपना हक मांगते हैं उनको। पहले तो तुम लोग क्रांतिकारी कहते थे, सुभाष चंद्र बोस को क्रांतिकारी कहते थे, उसको बोलो टेररिस्ट। हमें टेररिस्ट बोलते हो तो क्रांति, उसको क्रांतिकारी क्यों बोले? उसको भी टेररिस्ट बोलो। अच्छा। बोलते क्यों नहीं टेररिस्ट? आप सुभाष चंद्र बोस की हिस्ट्री का पता करो। तो क्या पार्टी से बाहर निकाला जाना चाहिए बीजेपी पार्टी से? आज तो आई है एमपी पार्लियामेंट बन के आई है, अब नया नया पहली बार जिंदगी में देखी होगी, अब उसको मुंह से निकल गया होगा। पहले तो पार्टी में ज्वाइन करने के लिए एक स्टेटमेंट देना पड़ता है, वो स्टेटमेंट दे के वो अंदर आ गई, इलेक्शन जीत गई, और उसके बाद आप जाके उसका असली हिस्ट्री पता लगेगी कि जिस पार्टी के लिए मैं खड़ी हुई हूँ 95 तो यही क्रिमिनल बैकग्राउंड वहाँ पीछे से चले आ रहे हैं। हटाना चाहिए बिल्कुल। सबसे पहले राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए, जो जाति की बात सबसे पहले वो करता है। जाति की बात कौन करता है? अभी भाई ने क्या बोला? कंगना गई यार, कंगना ने बीजेपी ने बीजेपी भाई बात करिए जाति की। कंगना ने माफी मांगी, बीजेपी ने पल्ला झाड़ा, ठीक है ना? तो अरे भाई हम यार हम कह तो रहे हैं ना, हम तो कह तो रहे हैं ना, अरे पार्टी से निकाल लेते कुछ नहीं होता यार। तुम चिल्लाते रहो, तुम तो चिल्ला रहे थे अप्रैल में, चिल्ला रहे थे हरियाणा में भी दिखा देंगे आप, हरियाणा भी दिखाएंगे, अरे हरियाणा भी दिखाएंगे, महाराष्ट्र भी दिखाएंगे, झारखंड भी दिखाएंगे, जम्मू कश्मीर भी दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। कैंसिल मत लो, 99 वाले इतने नाम हो रहे हैं, अभी 99 आई है, 100 नहीं पहुंचे हो। उसरे कंगना की फिल्म आने वाली है, आपको लग रहा है एक विवादित टिप्पणी इसीलिए दी थी उन्होंने? भैया हर कोई देता है यार, हर कोई देता है अपनी फिल्म में प्रमोशन के लिए, बुराई क्या है, हर कोई देता है। ये देश में क्या पहली बार हुआ है? क्या देश में पहली बार क्या हुआ ना? थप्पड़ सही मारा था ना किसान की बेटी ने, ये फिर तो सही मारा ना थप्पड़ था ना, बिल्कुल सही मारा था ना। आप कैसे देखते हो कंगना के बयान को?
कैसे देखते हैं? बहुत गलत बयान दिया उन्होंने किसानों के लिए, और इससे ज्यादा क्या लोग, आपका बुरा नहीं लग रहा भाई? वही तो पूछ रहा हूँ, बहुत बुरा लग रहा है भाई साहब। और किसानों को नहीं, पूरे 140 करोड़ लोगों को बुरा लग रहा है इस बारे में। कांग्रेस के किसान ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर, बिल्कुल निकाल देना चाहिए भाई साहब, निकाल देना चाहिए। तब तक उन्होंने तो पल्ला झाड़ लेगी, हमारे है नहीं, इसमें अपनी मर्जी से दे दिया है। तो कोई भी क्या देगा भाई, एक सेकंड सुन तो ले। देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए, अब भी राहुल गांधी, अब भी राहुल कंगना वाला भाई, मुझे नहीं करनी ना कंगना वाली बात में, मुझे तो जाति जंगलना पे बात करनी है ना। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, नया भारत बनना है, देश को कहाँ ले जाना चाहिए, और आप जातियों बांट रहे हो। हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है इसका, इस जो किसानों को जिस तरीके से उन्होंने बोला, इसका फर्क पड़ेगा? देखो फर्क तो लोकसभा में पड़ेगा, था 10 सीटों में तो 5 सीटें ली आई थी, पढ़ाना लोकसभा में तो विधानसभा में भी पढ़ना। और फुल मैं तो फुल बहुमत से आनी है वहाँ पे, तुम देख लेना, किसान भी उनसे नाराज है और खिलाड़ी भी उनसे नाराज है सारे, और युवा तो वहाँ के नाराज हैं क्योंकि वहाँ पे नौकरी बिल्कुल नहीं है। आज आज महाराष्ट्र में क्या हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने जिस मूर्ति का उद्घाटन करा वो टूट गई, क्योंकि इन्हें जो है जल्दबाजी वो होता करने की, राम मंदिर की जल्दबाजी करी वो चूने लगी, ठीक है, संसद भवन की फुर्ती करी इनॉग्रेशन करने में वो चूने लगा, मूर्ति की इन्होंने करी वो मूर्ति देखो गिर गई, क्योंकि इन्हें तो केवल अपना नाम करना है, मटेरियल जो मर्जी कैसे लगाओ, क्योंकि इनके दोस्तों के भैया ठेके हैं, यही होगा। महाराष्ट्र में आज एक मूर्ति लगी थी, भ्रष्टाचार इसी का तो नाम है भाई, मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था, गिर गई वो मूर्ति 80 दिन के अंदर ही गिर गई, क्या होगा इस पे? तो भैया ये तो जिसपे मोदी जी ने तो लगाई तो थी नहीं, ठेकेदारों ने लगाई थी ना, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहले चेक नहीं कराया? अरे भैया स्वामी सिद्धालंग की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे, बातें पढ़ रहे हो यहाँ पे कबूतर और अरे ये सब पुराना रोना रोइये, नया नहीं रोइये बिल्कुल भाई, नहीं सुनना भाई साहब, जिसका उद्घाटन करा है मेरी बात काट रहे हो यार, मेरी बात काट रहे हो तो भैया पार्टी ने करेंगे 70 साल पहले पहुंच जाएंगे फौरन। भैया स्वामी सिद्धालंग की मूर्ति, स्वामी सिद्धालंग इनसे तुम अगर सवाल करोगे ना तो ये 70 साल पुराना रोना रोक गए। मैं भी तो आज की बात आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहे 70 साल वालों को तो पब्लिक ने पाइला छोड़ दिया, जिस पुल पे चले उस पुल गिर गया, पुल 2014 सबसे ज्यादा बिहार में गिरे पुल भाई, उसकी बात नहीं करेंगे भ्रष्टाचार की, यही तो भ्रष्टाचार। और कहते हैं मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इससे ज्यादा और कितना खिलाओगे भैया? महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रही है ये बड़ा मुद्दा बनेगा? मुद्दा नहीं बनेगा, शिवाजी महाराज जूते मार के भगाएंगे ना, जब उन्होंने घेर दिया वहाँ पे, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो उनकी मूर्ति में कर दिया, और वहाँ के लोग सबसे ज्यादा मानते हैं शिवाजी महाराज को भाई साहब, तुम देखना इसका जवाब देगी वहाँ की जनता, जहाँ भ्रष्टाचार तो चाहिए नहीं वहाँ। जनता ने जवाब 2024 में बहुत अच्छे से दे दिया जवाब। सीना टॉक के मोदी जी अकेले सप्ताह बारी, उसने उन्होंने बोला था एक अकेला सप्ताह बारी 400 पार सिद्धू मूसे वाला 295। अब आप बोलो, मैं आपसे सवाल करता हूँ पत्रकार महोदय, आप मोदी की बुराई करने लगे हुए हैं, सिद्धू मूसे वाला 295 राहुल गांधी ने बोला था, क्या हो गया, क्या हुआ, मोदी जी को हटा देंगे, हटे गए क्या? 99 वाले हंस रहे हैं और 40 वाले रो रहे हैं भाई, 99 वाले पसीना रहे 40 वालों को और 99 वाले हंस रहे हैं, देखो फिर भी वो 99 वाला हंस रहा है। ये दुनिया की सोच समझे, जो बिजनेसमैन आदमी है ना वो बिल्कुल सुख है, सुख से, और जो बिजनेसमैन नहीं है आम आदमी है वो सुखी है, वो भी सुखी है, सुखी है सर, सुख आप दिल से नहीं कह रहे हो भैया, नहीं सारी बात नहीं, अरे नहीं सुनेंगे हम, कह रहे हैं सुखी है सारे आम आदमी, सुख है सारे सुखी है भैया, ये सुखी है तो सभी इनके तो इन्हें सब सुखी दिखाई दे रहे हैं, और नहीं मिल रहे ना, जैसे हमें चाहिए 10 लड्डू, इनको मिल रहा है 1 लड्डू, अब 1 लड्डू में काम नहीं चलेगा, दिक्कत तो बनेगा बनेगा, अरे बाबा बनेगा, ये देश में बात सुनेगा, इस देश में ऐसे जंग चलते रहेगा, जाति और घाटी, और होते रहेगा अपराधी, यही हाल तो इनके आका का है कैमरे के आगे रहने का, और इन्हें भी वही है कि कैमरे के आगे चलिए, ये देखो ये जबरदस्ती, यही जबरदस्ती है भाई।